तो दोस्तों आज हम आपको भिंडी की चिप्स बनाना सिखाएंगे। ये भिंडी मैंने साफ करके आप दोस्तों के सामने रखी हुई है, इसमें कौन कौन से मसाले ऐड करेंगे और इसको कैसे बनाते हैं और कैसे फ्राई करते हैं, ये आपको मुकम्मल इस वीडियो के अंदर जो है मैं तफसील के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले हमने जो है इसके अंदर जो है वो नमक डालना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आ गया जी हमारा नमक, हाफ टी स्पून के करीब हमने इसमें अंदर जो है नमक डालना है। 100 ग्राम हमारी भिंडी है और हाफ टी स्पून के करीब हमने इसके अंदर रेड चिली डालनी है, ठीक है। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर जो है गरम मसाला डालना है। ये आ गया जी हमारा गरम मसाला, ठीक है। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर सूखा धनिया डालना है पिसा हुआ, ठीक है, हाफ चम्मच के करीब ये सूखा धनिया आ गया। अब हमने पता क्या करना है, एक चम्मच जो है इसके अंदर हमने बेसन शामिल करना है। बाजार से बेसन आपको मिल जाता है, बेसन आपने अच्छे वाला इस्तेमाल करना है। एक चम्मच बेसन आ गया और एक चम्मच के करीब हमने जो है इसके अंदर मैदा इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। बेसन थोड़ा सा और डाल लेते हैं, ठीक है जी। ये लें थोड़ा सा बेसन मैंने और डाल लिया क्योंकि इसको क्रिस्पी बनाने के लिए बेसन जो है ये अच्छा काम करेगा, ठीक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरह दोस्तों हमने भिंडी को जो है इसके अंदर शामिल कर देना है, जो हमने मसाला जिसको लगाया था, मैरिनेट किया था, ये इस तरह आपके सामने जो है ये फ्राई जब हो जाएगी मुकम्मल तो हम आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल जो लुक आएगी। दोस्तों ये देखिए हमारी क्रिस्पी भिंडी की जो चिप्स है वो तैयार हो गई है आप दोस्तों के सामने। ये देखिए जो बहुत ही मज़ेदार बनी है, ये देखिए क्लिक क्लिक कर रही है, ठीक है। और जो है आपने ये वीडियो घर में लाजमी ट्राई करनी है ये वाली रेसिपी, और मुझे बताना भी है कमेंट में भी कि आपको ये वाली भिंडी की जो है चिप्स ये कैसी लगी। इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, किसी नई रेसिपी में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ दोस्तों, रब रखा।